वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर येथे डोळ्यात चटणी टाकून फसवणूक करून धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी काजी नकीबोद्दीन काजी उसामुद्दीन राहणार जुने शहर अकोला यांनी दिनांक 22 रोजी तक्रार दिली की तारीख 20 रात्री 10:30 वाजताच्या सुमारास शेलगाव फाटा येथे आरोपी अकिल बाबा व अन्य 5 अनोळखी इसम राहणार साखरखेडा तालुका सिंदखेड राजा यांनी संगनमत करून व तुमचे पैसे दुप्पट करून देतो असे आमिष दाखवून डोळ्यात चटणी टाकून धक्काबुक्की करून फिर्यादीचे 50,000 रुपये घेऊन गेले आहेत. लकीमुद्दीन इसामुद्दीन व 23 वर्ष राहणार अकोला हा दिनांक 15/7/18 रोजी हा सलाईन दर्गावर दर्शनासाठी गेला होता. त्यावेळी त्याला अनोळखी 2 इसम भेटले आणि त्यांनी सांगितले की अकिल बाबा तुमचे पैसे डबल पैसे करून देतो. म्हणून हा इसम दर्गाच्या वर टेकड्यावर गेला. त्यांना विश्वासात घेऊन यांनी पण सांगितलं का माझ्या मला डबल पैसे करायचे आहे. म्हणून दिनांक 20/7/18 रोजी याला अकोल्याला फोन आला बाबासा का तुम्ही मोहरीपीरला या तुमचे पैसे मी डबल करून देतो. फिर्यादी हा 20/7/18 रोजी रात्री 10:30 वाजता बस स्टँडवर आला. त्यावेळेस त्यांना एक विनोबा वाहनात बसवून मंगरुळपीरचे वाशिम रोडवर अंदाजे 5 ते 6 किलोमीटरवर नेले आणि त्या ठिकाणी त्याला खाली उतरून त्यांना सांगितले का पैसे आणले का. त्यांनी पैसे दिले. त्यावेळेस त्याचे दोघांचे डोळ्यामध्ये मिरची फोटो टाकून त्याला लोटून दिली आणि गुरुवार गाडीमध्ये हे लोक 4-5 लोक हे निघून गेले. तपास माननीय एसडीपी साहेब श्री यादव साहेब आणि पोलीस निरीक्षक श्री जायवे साहेब यांचे मार्गदर्शनखाली आम्ही पी एस आय पठाण आणि पोलीस कॉन्स्टेबल चित्तम वाटेलकर अकोला में रहता हूँ. जुम्मन से अकोला और प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग को बुलाए. हम लोगों ने एटीएम से पैसा ऐसा निकाले. 5 लोग थे. हमने पैसा निकाले 50,000 रुपये. बस स्टॉप के पास बुलाए हम लोगों को. बस स्टॉप के पास में बुलाने के बाद में बोले बैठो गाड़ी में. हमने बोले काय के लिए. बोले वाशिद वाला उधर खड़ा हुआ है. यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर लेके गए हम लोगों को. हम लोगों के 50,000 रुपये छीने. बोले पैसा लाएगा. हमने बोले हाँ लाए दिखाओ. बोले इसके जेब में अमाउंट था. इसको बोले धीरे जैसे पैसा दिखा है मिर्ची का भुगत आलिया मरूफ के आंखों में और वैसे हमारे पे हल्ला कर दिए. सब लोगों ने जबरदस्ती के जेब के पैसा हाथ डाले और पैसा निकाल लिए पूरा 50,000 रुपये. और पैसा निकालने के बाद हम लोग को मारना चालू किए. चाकू निकालो बोले लोग ऐसा नहीं मानने वाले मारो. तो हम लोग रोड के नीचे गिरे. वैसे लोग गाड़ी में बैठे और सीधा भागे. बोलेरो गाड़ी था व्हाइट कलर का हम लोग का और व्हाइट नंबर प्लेट था. नंबर प्लेट नहीं था. मैं नंबर की तरफ देखा हूँ तो दिख भी नहीं रहा था हम लोग को. मिर्ची डाले कुछ समझ में नहीं आया. वो लोग भाग गए गाड़ी छोड़ के. फिर हम लोग को कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था. एक भैया है उसका गाड़ी लेके. वो भैया ने हमको हेल्प की. पुलिस स्टेशन लेके आए. यहाँ पे आने के बाद में छोटू भाई करके नाम था उनका. वो लोग भैया ने हमको हेल्प की. होना चाहिए बस. बोलो मेरा नाम नकी आकुली में रहता हूँ. क्या हुआ? मैं यहाँ वाशिम बुलाए. बाबा ने किसने बुलाया? अखिल बाबा नाम है उनका. हाँ यहाँ बुलाया और बोले कि दवा लेना पड़ता है उसकी. तो दवा के वास्ते उन्होंने बोले यहाँ खड़े हुए बस स्टैंड से. तीन गाड़ी में बैठा है. बस स्टैंड से हमारी गाड़ी में बैठा है. तो बीच में लाके डायरेक्ट बोले उतरो नीचे. दवा वाला आया हुआ है. पैसे लाए. बोले मतलब पैसे जेब नहीं थे. जैसे बोला वैसे भुड़का ताले एंकर मारना चालू कर दी. तुम उसको पहचान दे देंगे? हाँ. कहाँ का है वो? सर हाँ तुम पहचान दे देंगे उसको? हाँ पहचानता मैं उसको. कहाँ का रहने वाला है? उसका रहना सागरखेड़ा. सागरखेड़ा. हाँ इससे पहले मेरी मुलाकात उसकी सैलानी में हुई थी. हाँ हाँ. और तुम उसका पता किता सब जानते? हाँ. ठीक है. अशा तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कलम 420/323 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास मंगरुळपीर पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक असद खान पठाण करत आहे. प्रतिनिधी अमोल रघुवंशी, समाजशील न्यूज, मंगरुळपीर, वाशिम.